हेलो फ्रेंड्स, नॉनी कौर के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पंजाबी कढ़ाई मटन। देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। ऑयल, फ्रेंड्स आई एम यूजिंग सोया ऑयल बट यू कैन यूज एनी रिफाइंड ऑयल। 2 कप्स वाटर, 500 ग्राम्स मटन कट इन बाइट साइज पीसेस, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 onions finely chopped, 2 tomatoes finely chopped, 1 1/4 teaspoon salt, 1/2 teaspoon degi mirch, 1/4 teaspoon turmeric powder, 1/4 teaspoon cumin powder, 1/2 teaspoon coriander powder, 1/2 teaspoon kasuri methi, 4 tablespoons yogurt, 1 green chili chopped, 1/4 teaspoon red chili powder, and some green coriander finely chopped to garnish. गैस ऑन करते हैं और इसको इसके ऊपर रखते हैं। इसमें हम थ्री टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसको हम गर्म करेंगे। अब ये गर्म हो गया है और इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और सौते करेंगे। देखिए ये स्टर फ्राई हो गया है। अब इसमें हम मटन डाल देंगे। और इसको हम रोस्ट करेंगे थोड़ा सा, जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब ये बहुत अच्छी तरह से भून रहा है। अब इसको हमने 5 मिनट के लिए भून लिया है और अब हम इसमें डालेंगे अनियंस। टोमेटोज, सॉल्ट और इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। देगी मिर्च, टर्मरिक पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, कसूरी मेथी एंड द कर्ड। और इसको हम भूनेंगे ड्राई होने तक। इट मस्ट लीव इट्स ऑयल टिल देन वी विल गो ऑन कुकिंग इट। इसको हम बिल्कुल ड्राई कर देंगे और ड्राई करने के बाद इसको हम 5 मिनट्स के लिए भूनेंगे। अब इसका पानी ड्राई हो गया है और हम 5 मिनट और इसको भूनेंगे। अब ये अच्छी तरह से भून चुका है और गैस बंद कर देते हैं और इसको हम कुकर में डालेंगे। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। गैस ऑन करके कुकर को गैस पे रखते हैं और इसको हम बंद कर देते हैं। और जब फर्स्ट विसल आएगी तो हम गैस को सिम कर देंगे। सिम करके इसको स्टेडी स्टीम देंगे फॉर 20 मिनट्स।
अब स्टीम आ गया है, पहली विसल आई है और इसको गैस को हम सिम कर देते हैं और इसको हम 20 मिनट्स के लिए स्टेडी स्टीम पर कुक करेंगे। अब 20 मिनट्स हो गए हैं, गैस बंद कर देते हैं, कुकर को उतार देते हैं एंड वी विल लेट द स्टीम ड्रॉप बाय इटसेल्फ। देखिए इसका प्रेशर अब सारा डाउन हो गया है और अब हम इसको खोलते हैं। देखिए जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ करी इज देयर। अब इसमें हम ग्रीन चिली और रेड चिलीज डालते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। और अब इसको हम डिश में डाल देते हैं। अब इस स्टेज पे फ्रेंड्स आप इसकी सीजनिंग चेक कर लीजिए। अब इसको हमने डिश में डाल देना है। अब हम इसको ग्रीन कोरिएंडर के साथ गार्निश कर देंगे। पंजाबी कढ़ाई मटन तैयार है। अब आप इसको बनाइए और एंजॉय कीजिए।